कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह किसी से छुपी हुई नहीं है और सोनिया गांधी इस कलह को खत्म करना चाहती हैं। साथ ही कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा इस पर भी मंथन किया जाएगा। दरअसल जो सोनिया गांधी हैं वो आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी के मौजूदा हालात और आगे की रणनीतियों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी अगर खुद अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए या फिर उनके नाम पर कुछ भी किंतु परंतु हुआ तो इस बात की पूरी संभावना भी है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपे जाने पर रजामंदी हो जाए, क्योंकि अभी तक किसी भी ऐसे गैर गांधी के नाम पर सहमति नहीं बन सकी है जो सर्वस्वीकार्य हो, यानी कि जिसके नाम पर सभी लोग रजामंद हो। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ होने वाली पार्टी की वरिष्ठ नेताओं की निर्णायक बैठक में राहुल की मनाही के बाद विकल्प के तौर पर प्रियंका के नाम पर सहमति बन सकती है। इस फॉर्मूले पर 10 जनपद परिवार और पार्टी के रणनीतिकारों के बीच समझदारी बन गई है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बताया जाता है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका भी प्रियंका गांधी निभा रही हैं। उनकी पहल पर ही गुट 30 के प्रमुख नेताओं और सोनिया गांधी की मुलाकात और बैठक मुमकिन हो सकी है। सोनिया गांधी के साथ इस बैठक में कमलनाथ और प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी भी मौजूद रह सकते हैं, जबकि गुट 23 के प्रमुख नेताओं में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल समेत कुछ अन्य नेता भी रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शामिल होने की भी संभावना है। ये जानकारी देते हुए कांग्रेस में प्रियंका के निकटवर्ती सूत्रों ने बताया कि जिस तरह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच राहुल गांधी और उनकी टीम की कार्यशैली को लेकर आपत्तियां और सवाल हैं, उसे देखते हुए कमलनाथ के लिए भी राहुल के नाम पर सबको राजी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल के नाम पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी कमलनाथ को खुद सोनिया गांधी ने सौंपी है, लेकिन कमलनाथ ने अब तक जितने भी वरिष्ठ नेताओं से बात की है उनमें से ज्यादातर ने दबे स्वर में राहुल के नाम पर असहमति जाहिर की है, जबकि कुछ नेताओं ने तो सीधे सीधे यहां तक कह दिया है कि हम बिना गांधी के कांग्रेस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन राहुल की जगह अगर प्रियंका को पार्टी की कमान सौंपी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब कांग्रेस बैठक कर रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से जो बगावत की सुर है पार्टी के अंदर वो तेज होने लगे थे, पार्टी के खिलाफ अंदर से ही आवाजें उठनी शुरू हो गई थी। इसके अलावा जो अध्यक्ष पद है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर रजामंद नहीं होते हैं, अगर वो अध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि कोई भी किसी भी गैर गांधी के नाम पर अभी जो सारे लोग हैं पार्टी के उनमें सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, जो कांग्रेस है क्या कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है वो खत्म हो पाएगी, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।